शांति। हम सभी आजकल नवरात्रे मना रहे हैं और नवरात्रों में हम देवियों का पूजन करते हैं, जिन्हें अष्टभुजाधारी और अस्त्र शस्त्रधारी दिखाया गया है। तो वो अस्त्र शस्त्र वास्तव में उनकी शक्तियों के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। तो आज हम उनकी जिस शक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है समाने की शक्ति। हम सभी परिवार समाज में रहते हैं, अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जिन्हें हमें समाना पड़ता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। हमारे जीवन में निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये उतार चढ़ाव के रूप में आते रहते हैं, जैसे सागर में लहरें उठती रहती हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर समाने की शक्ति हमारे अंदर है तो मन शांत और संतुलित रहता है। जैसे हम सागर में देखते हैं कि ऊपर से भले ही कितनी हलचल क्यों ना हो, लेकिन भीतर में सागर की सतह बिल्कुल शांत होती है। और एक और विशेषता होती है कि सागर कभी भी कचड़े को अपने में नहीं रखता है। जैसे ही उसमें कचरा पड़ता है, लहरें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और जितनी भी नदियां जल लेकर आती हैं वो सब सागर में समा जाता है। तो ऐसे ही अगर समाने की शक्ति हमारे अंदर है तो हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर बुराई या कमी ना देख करके उसके गुणों पर हमारी दृष्टि होती है, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए, थोथा दे उड़ाए। यानी सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप के समान होता है, अनाज साफ करने वाला जो सूप होता है, तो वो कचरे को फेंक देता है और उपयोगी अनाज को रख लेता है। तो कचरे जैसी बातें कहने का मतलब किसी के अंदर भी जो भी अवगुण है उसे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो उपयोगी उनके अंदर विशेषताएं हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, जब हम उनको देखते हैं तो फिर उनके प्रति हमारा स्नेह और सम्मान बना रहता है। और इस तरह से संबंधों में साथ में रहना और सुख शांति से रहना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है और हमारे परिवार के वातावरण को, समाज के वातावरण को सुख शांति में बनाती है। इसका एक स्वरूप ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें अपनी राज की बात बताते हैं, जो वो बताकर हमसे सहयोग लेना चाहते हैं और हम सुनते हैं, और फिर वो हमें कहते हैं कि आप ये किसी को मत कहना। हम उन्हें विश्वास भी दिलाते हैं कि हम किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारा कोई अपना होता है और उनको हम मन की बात सुनाकर और फिर वही बात कह देते हैं कि ये उनकी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। और फिर ऐसा होता है कि उनका भी कोई विशेष अपना होता है जिसको वो सुना देते हैं, और जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है। और कई बार ये भी स्थिति पैदा हो जाती है कि बात घूम फिर करके फिर से उन्हीं के पास पहुँच जाती है, तो इससे फिर उनको बहुत दुख होता है और उनको महसूस होता है कि मुझे धोखा मिला, मैंने इतना विश्वास किया इन पर, तो संबंधों में फिर कड़वाहट आ सकती है। एक बहुत छोटी सी कहानी इस विषय पर, जो हमारे यहाँ बोध कथा के रूप में हम कहेंगे, हम सुनते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, उन्हें पास के गाँव में जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हो सकता है कि मुझे लौटने में देर हो जाए, तो तुम मेरे को रास्ते का भोजन दे दो। तो उसने टिफिन दे दिया। अब पंडित जी रास्ते में पेड़ के नीचे भोजन करने बैठे, और जैसे ही वो भोजन स्वीकार करने लगे, उतने में ही एक पक्षी जो पेड़ पर बैठा था उसने बीट कर दी, और वो बीट जो है वो उनके भोजन में पड़ गई। अब वो तो क्योंकि ब्राह्मण थे और शुद्धि का महत्व था उनके लिए, तो वो भोजन बेकार हो गया और उनका मन भी खराब हो गया, और फिर उन्होंने शहर जाने का, गांव जाने का विचार छोड़ा और वापस अपने घर आ गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप तो जाने वाले थे, आप इतना जल्दी वापस कैसे आ गए?
तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे पत्नी का स्वभाव कि अगर मैंने इसको बताया तो ये पूरे गांव में बता देगी। तो थोड़ा टाल रहे थे, लेकिन पत्नी ने बहुत जोर दिया। तो फिर उन्होंने उसको कहा कि देख, ऐसा हुआ, जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरे खाने में पक्षी की बीट पड़ गई और फिर मेरा विचार बदल गया। लेकिन तू ये बात किसी को कहना मत, हाँ, थोड़ा जोर दे करके उन्होंने कहा कि ताकि वो किसी को ये बात ना कहे। तो उसने कहा कि मैं क्यों कहूँगी, अपने घर की बात मैं क्यों बाहर कहूँगी। लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव था, दूसरे दिन वो जब कुएं पे पानी भरने गई और चार उसकी साथी बहनें थी वहाँ, तो बातों बातों में ये भूल गई और उसने वो सारी बात सुना दी कि कल पंडित जी के साथ ऐसा हुआ। अब क्या होता है कि सभी एक जैसा भी नहीं सुनते हैं, कोई आधी आधी बात सुनते हैं। तो उसमें से एक ने क्या सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट गिर गई, उसकी जगह पक्षी गिर गया। अब उसने फिर चार लोगों से बात की जाकर के, तो उसमें से एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने चार लोगों से बात की, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। हाँ, तो निश्चित है कि गांव वालों को लगा कि अगर पंडित जी ऐसा चमत्कार करते हैं तो उन्हें पंचायत में बुलाना चाहिए और सभी देखें कि हमारे गांव में ऐसे पंडित जी हैं। तो उनको पंचायत में बुलाया गया। तो जैसे ही पंचायत में जाने की बात आई तो पंडित जी को थोड़ा संकल्प चला कि क्यों मुझे पंचायत में बुलाया है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। वो गए पंचायत में तो उनको पता चला कि पंचायत में इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो उनका दिमाग घूमने लगा, पक्षी निकाल के दिखाना है, मैं कैसे पक्षी निकालूंगा, ये और ये बात आई कहाँ से पक्षी निकालने वाली। फिर सोचते सोचते उनको समझ में आ गया कि ये सब मेरी पत्नी की करामात है। लेकिन अब क्योंकि पंचायत में बुलाया था तो फिर उन्होंने उसके बचने का तरीका भी सोच लिया अपने मन में। और जब उनको कहा गया पक्षी निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं पक्षी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई पक्षी निकलता हुआ देख लेगा तो वो भी पक्षी बन जाएगा। तो सभी जो हैं वो उठ उठ करके चले गए। तो आप कहानी से समझ सकते हैं कि कभी हम जब दूसरों को बात सुनाते हैं तो वो बात कितना बदल जाती है, कई बार उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कभी सुनी सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, या हम एक कान से सुने तो दूसरे कान से हम उसको बाहर निकाल दें। तो समाने की शक्ति अर्थात गंभीरता का गुण हमारे अंदर हो, अगर कोई राज की बात हमें कहता है तो ज़रूर अगर हमें वो नहीं कहनी है तो हम ना कहें, और यदि हम कह देते हैं तो उसका असर हमारे संबंधों पर और समाज पर पड़ता है। तो विशेष रूप से ये शक्ति हमारे संबंधों में आज जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत आवश्यक है, और ये हमारे संबंधों को श्रेष्ठ और मधुर बनाती है। ओम शांति।